यश कब तक फोन में लगा रहेगा? हमें ऑनेस्ट रिव्यू करना है। तू क्यों इतना रिव्यू के पीछे पड़ गई है? तेरा रिव्यू में उतना ही पार्ट होता है जितना कि मोनी रॉय का रॉ फिल्म में था, यानी कि नाम बराबर। सीरियसली? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं। ठीक है। हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू मायापुरी कट। तो दोस्तों, आज जिस मूवी का हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं वो है, बेसिकली बात करें मूवी की स्टोरी की, तो रॉ स्टोरी है एक आदमी के ऊपर जिसके होते हैं तीन तीन नाम, रोमियो, अकबर और वॉल्टर। इन तीनों में से मेरा वॉल्टर फेवरेट था। एंड में जो सस्पेंस दिखाया मूवी में, दैट वाज एपिक। तो इन तीनों में से रोमियो, अकबर, वॉल्टर में से वॉल्टर वाज माय फेवरेट। मतलब मेरा भी भैया वॉल्टर तो सबसे ज्यादा फेवरेट ज्यादा ही रहा, कुछ मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। और बेसिकली बात करें मूवी की स्टोरी की, तो ये स्टोरी है एक बैंक अकाउंटेंट के ऊपर जो कि होते हैं जॉन अब्राहम, जैकी श्रॉफ, जिनको हायर करते हैं एज अ रॉ एजेंट कि तुम जाओ भैया पाकिस्तान हमारे एक सीक्रेट मिशन के लिए और वहां से जाके इंफॉर्मेशन ला के हमें देते रहो, जैसा कि आप बहुत सारी पेट्रियाटिक मूवीज में देख चुके हैं, जैसा कि आपने राजी में भी देखा था। हाल ही स्टोरी जो है पेट्रियाटिक ही है, स्टोरी में कुछ नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से जॉन अब्राहम ने तीनों रोल निभाए हैं वो आपको काफी अच्छे लगेंगे। सस्पेंस में आपको स्टोरी पूरी यहाँ पे बताऊंगा नहीं कि किस तरह से वो रोमियो, अकबर और वॉल्टर के रोल अदा कर दिया है पाकिस्तान में जाके और किस तरह से वो इंफॉर्मेशन लेके आते, क्योंकि भैया सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, यही बता देंगे आपको हॉल में जाके देखने मजा क्या आएगा। एग्जैक्टली, मतलब मुझे भी ना मूवी देखते वक्त ऐसा फील हुआ कि कुछ ये ना कांसेप्ट सिमिलर लग रहा है, बिकॉज़ राजी में भी ऐसा हुआ था कि वो पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन इंडिया को सेंड करती है, यहां भी जॉन अब्राहम ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन हाँ बस इसमें डिफरेंस ये है कि इन्होंने अलग अलग चेहरे दिखाए हैं जॉन अब्राहम के। या बेसिकली ये तो है, हम कहना पड़ा। एक्टिंग वाइज बात किया तो जॉन अब्राहम की एक्टिंग इज गुड, मतलब अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। परमाणु से एज कंपैरिजन उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर हाँ इसमें उनकी काफी अच्छे परफॉर्मेंस है क्योंकि उन्होंने तीन तीन रोल निभाए इस पिक्चर में। मतलब परमाणु मैंने नहीं देखी ऑनेस्टली, लेकिन इसमें उनकी जो एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, किस तरह से उन्होंने पहले रोमियो का मतलब एक नॉर्मल जो ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं उसका रोल निभाया, उसके बाद अकबर का रोल प्ले किया, एंड देन वॉल्टर, तो उसकी तो मैं फैन हो ही गई। लेकिन उसके बाद ही मूवी की बैंड बजाने के लिए आ जाती है बीच में कहीं से मोनी रॉय, और मोनी रॉय का रोल उतना ही था जितना उनका पार्ट था गोल्ड मूवी में, यानी कि नाम बराबर, क्योंकि मोनी रॉय का स्टार्टिंग ऑफ द मूवी में कोई खास रोल है नहीं, सेकंड हाफ मूवी में उनका कोई खास रोल है नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता मोनी रॉय को उन्होंने लिया क्यों। मतलब गोल्ड में भी उनका बहुत ही कम रोल था और उसी तरीके से उनका रोल इसमें भी कम है, मुझे लगा था कि गोल्ड से ज्यादा रोल तो इसमें होगा ही, लेकिन नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब भैया जंगली मूवी में हाथी का इससे इन मोनी रॉय से ज्यादा रोल था, मतलब मोनी रॉय का जिस हिसाब से रॉ में रोल है ना उससे ज्यादा तो हाथी का रोल था भैया जंगली मूवी में, क्योंकि ये पूरी की पूरी मिक्सचर बेस ही सिर्फ जॉन अब्राहम के ऊपर है, क्योंकि पूरी पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेंगे जॉन अब्राहम, कैसे वो इंडिया से पहले पाकिस्तान जाते हैं फिर वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब जो एंड में जो सस्पेंस है वो मैं यहां नहीं बोलूंगी, वो आप हॉल पे ही जाके देखो बेसिकली है। और जहां तक बात करें हम गानों की, तो गाने बेसिकली एज सच इसमें मेरे को एक ही गाना सबसे बढ़िया लगा था, बुलिया जो एकदम स्टार्टिंग में आता है वो गाना अच्छा था, उसके अलावा मुझे लगता नहीं था कि इस मूवी में कोई गाने की जरूरत थी भी। मैंने देखा था कि बीच में आया था उर्दू में या समथिंग क्वालिटी टाइप कुछ था, मतलब मुझे सही लगा, बट ऐसा कोई गाना था नहीं जिसे आप सिनेमा हॉल के बाहर जाके मतलब रिमाइंड कर सके। मतलब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस मूवी में गाने की ऐसा जरूरत थी भी नहीं। रॉबी ग्रेवाल ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, एंड मैं कहना चाहूंगा इस मूवी को डायरेक्ट करना उतना ही काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा उनके लिए, क्योंकि एक तो इतनी सारी लोकेशंस थी, इतना टफ रहा, इतनी टफ सिचुएशन में, एक तो जॉन अब्राहम की डेडिकेशन को सलाम है कि उन्होंने किस डेडिकेशन से तीनों के तीनों रोल को इतने अच्छे तरीके से निभाया है। डायरेक्टर की बात करूं, कांसेप्ट अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ी बहुत कमी लगी। या क्योंकि स्टोरी जो आप देखते हैं ना थोड़ी सी एग्जैजरेटेड लगती है, थोड़ी खिंची हुई सी लगती है, जिस वजह से वो थोड़ी बोरिंग सी हो जाती है बीच में। बीच में भी हर या समय बोर हो गई थी कि बहुत स्लो जा रहा है ट्रैक, थोड़ा सा इनको मतलब पेस अप करना चाहिए था, तो एग्जीक्यूशन में थोड़ी बहुत कमी थी, बट ऑल इन ऑल इट्स अ गुड फिल्म, गुड टू गो फॉर अ वन टाइम वॉच। आप देखिए, अपनी फैमिली के साथ जाके देखिए, फ्रेंड्स के साथ जाके देखिए, किसी के साथ भी जाके देखो, देखिए अब जाके मूवी, क्या कर रहे हैं घर में बैठे हुए, रिव्यू क्यों देख रहे हो, मूवी देखो जाओ। घर में बैठने से अच्छा कि मूवी देखो, अच्छी है, ठीक है, वन टाइम वॉच है। और अगर रेटिंग की मैं बात करूं तो वी विल गिव आउट 3 out of 5 स्टार्स फॉर दिस रॉ, मतलब इट्स अ गुड पेट्रियोटिक फिल्म और देशभक्ति के ऊपर है, तो देखिए आप, अच्छा लगेगा आपको देखने में। एंड टिल देन, ये था हमारा रिव्यू रॉ के ऊपर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
रॉ कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।